जिनको स्तन में सूजन है, माताओं बहनों को बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि हमने उसके लिए कई सारे जड़ी बूटियों का प्रयोग बताया है कि स्तन में गांठ हो तो हम क्या करें। भूमि आंवले का भी यदि आप पेस्ट बना करके, लेप बना करके सिर्फ अपने स्तन पे भी लेप करते हैं तो स्तन की जो गांठें हैं, जो सूजन है, उसमें से पूरा लाभ होगा और पूरा उससे लाभ मिलेगा। आयुर्वेद में बनी हुई औषधि में भी वृद्धिवादी का बटी और कचनार गुग्गल निरापद हैं, उसके लिए सहयोगी हैं। दो दो गोली दोनों में से प्रातः सायं आप सेवन कर सकते हैं गर्म पानी के साथ। जलोदर जैसी भयानक व्याधि के लिए भी यह रामबाण है। एसाइटिस की जब प्रॉब्लम होती है, संभावना रहती है कैंसर बनने की, बहुत सारी, जब लीवर बिल्कुल डैमेज हो जाता है, लीवर फंक्शन ठीक नहीं होता है, तब जलोदर जैसी बीमारियां, पेट फूलने लगता है, जलीय अंश पानी पेट में इकट्ठा होने शुरू होता है, उस स्थिति में भी यदि आप इस भूमि आंवले का पंचांग का काढ़ा बना करके पीते हैं प्रातः सायं, इसको आप सुखा कर पाउडर करके रख लें, मोटा मोटा दरदरा कूट करके रख लें, 5 ग्राम को लगभग 400 ग्राम पानी में पका लें, सुबह शाम इसको पिएं। इसमें जिनको जलोदर की बीमारी है उसके लिए जरूरी है कि 1 ग्राम की मात्रा में सौंठ का पाउडर और आधा ग्राम कुटकी, आधे ग्राम की कुटकी और 1 ग्राम सौंठ और भूमि आंवले का काढ़ा, इसको आप काढ़े को खा करके काढ़ा पिए या काढ़े में भी उसको डाल सकते हैं। काढ़े में डालने से थोड़ा सा वो तीक्ष्ण हो जाता है, तो आप देखेंगे जलोदर में इसे तुरंत लाभ होगा।